हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग पे। और आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है मेरे लिए, क्योंकि मैं आज अपने बचपन के दोस्तों के साथ एक एडवेंचर टूर पे जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ वो तो आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। तो चलिए फटाफट तैयार हो जाते हैं। लगेज मेरा रेडी है, बस लेना है और निकलना है। अभी हम लोग उबर मोटो के लिए वेट कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे ही आता है फिर यहाँ से निकलते हैं। तो हमारी सवारी आ चुकी है, अभी इसी से हम लोग चलेंगे स्टेशन। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। Now we are going to Kolkata station. तो अभी मैं कोलकाता स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ, देख सकते हैं आप। मेरी टिकट कंफर्म है, चार्ट बन चुकी है और बस अभी मुझे इंक्वायरी काउंटर में जाके पूछना है कि कितने नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाली है मेरी ट्रेन। तो चलिए चलते हैं, पूछता हूँ मैं। कोच नंबर S5। वेलकम टू धनबाद। मैं धनबाद स्टेशन पहुंच चुका हूं अभी और वेट कर रहा हूं अपने दोस्त के लिए, वो भी आ रहा है बाइक लेके। फिर उसके साथ उसके रूम पे जाऊंगा मैं और वहां से फिर हम लोग आगे की तरफ निकलेंगे। देखो इतना देर तक रुकवाया, वेट करवाया, अब जाके आता है और बोलता क्या हालचाल। अरे क्या हालचाल। हाय गाइस, बस पहुंच गए इसके पास, जा रहा लड़का घूमने के लिए। ये मेरा दोस्त है। और ये जो मैंने अभी आप लोगों को स्टेशन दिखाया है धनबाद स्टेशन में, हम लोगों ने इतना यहाँ पे मजे किए, इतने मजे किए हम लोगों ने, पूरा इलाका धुआं धुआं कर दिया है। पूरा धनबाद में हम लोग, मतलब जो कहते हैं ना, हम कहर मचाते थे हम लोग सब मिलके यहाँ पे। तो यही वो मेरा दोस्त है, हम लोग पहले एक साथ। सरदार खान नाम है हमारा। हाँ बेटा, सरदार खान नाम है तुम्हारा। धनबाद कतरास में कोई ऐसा गली नहीं है और जहाँ हम लोग का कहर नहीं, जहाँ कोई शहर नहीं, जहाँ हमारा कहर नहीं। और ये देखो, ये है मेरा एकदम बचपन का दोस्त। इन लोग के साथ तो मैंने फिर ये मेरा एकदम बचपन का दोस्त है। वो कहते ना हम लोग साथ में ABCD लिखना सीखे होंगे। हाँ कहते ना ABCD 1 2 3 4, हम लोग साथ में किए। वो लगा हुआ था,
तो अभी ये दो बाइक है, यही दो बाइक से हम लोग अभी अपना जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से।
फाइनली हम लोग अभी पहुंच चुके हैं यहाँ पे। बाइक जो है अपने यहाँ पे पार्क कर दिया हम लोगों ने। अब देख सकते हैं ये वाला रोड से हम लोग फिर अभी यहाँ से ट्रैकिंग करते हुए ऊपर जाएंगे। तो आइए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ हम लोग किस रास्ते से आए थे अभी और कैसे कैसे आए थे, ये मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए हम लोग कितना ऊपर में आ चुके हैं और हम लोग जहाँ से चलना स्टार्ट किए थे वो ये इस जगह से कहीं से शायद कैमरे में दिखेगा नहीं। देख सक रहे हैं आप कैसे हम लोग ट्रैकिंग करते हुए ऊपर जा रहे हैं। ये लोग चले गए, अब मेरी बारी, अब मैं जाऊंगा ऊपर। अभी जा रहे ऊपर की ओर मंदिर की ओर। सबका हालत खराब है, इतना देर तक तो सब बाइक में आए हम लोग, अब जब हमें यहाँ से ट्रैक करते हुए ऊपर जाना पड़ रहा है तो सबकी हालत खराब है। अब देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए डोली में भी जा रहे लोग। ट्रैकिंग करते हुए काफी ऊपर चढ़ चुके हैं अभी हम लोग को और भी ऊपर चलना है। हम लोग अभी मेन मंदिर पे आ चुके हैं एकदम टॉप पे। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं आप यही मेन मंदिर है। अभी ऊपर से मैं आप लोगों को नजारा दिखाता हूँ, ऊपर से कैसा व्यू आता है तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। जब भी मैं यहाँ आता हूँ मुझे एक अलग ही सुकून मिलती है। शहरों की चहक में एक से दूर और नेचर को फील करते हुए मुझे एक अलग ही आनंद मिलता है। कौन कहेगा झारखंड के धनबाद में एक ऐसी भी जगह है
सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। वीडियो को बहुत लंबा हो जाने के कारण ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करना हुआ। आगे का सफ़र देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोगों को कैसा लगा मेरा अब तक का सफ़र। तो मिलते हैं आपसे पार्श्वनाथ के एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।